हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, आज मैं सदाबहार का थोड़ा सा अपडेट आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं कितने छोटे छोटे पॉट में लगाए हूँ और कितने अच्छा फ्लावरिंग हुए हैं इनमें। देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है, कलियों से भरा हुआ है। और देखिए, 4 o'clock में भी काफ़ी कलियाँ भरी हुई है और 4 बजे शाम को ये खिलता है, तो सुबह ही उसका फ्लावर थोड़ा सा स्पेंड हो जाता है। और देखिए, सदाबहार और मैं कितना छोटे छोटे में लगाई हूँ और कितना ज़्यादा फ्लावरिंग हुआ है। अभी मैं पानी डाल रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोची कि थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। और देखिए कितना अच्छा, अभी मैं कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाली हूँ काफ़ी दिनों से, फिर भी जितना ही धूप बढ़ रहा है उतना ही इनमें फ्लावरिंग बढ़ रहा है। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, तो मैं सोची कि आप लोग से थोड़ा शेयर करूं। और देखिए, इनकी कटाई छटाई अभी ही मैं की थी सब, और कटाई छटाई करके सबका कटिंग इसी में मैं लगा दी थी। जितने भी मुरझाए हुए प्लांट है सब मैं कटिंग लगाई हूं। 4-5 दिन तक ये मुरझाए हुए रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे से ये ग्रीन होने लगते हैं और ग्रीन होते ही ये फ्लावरिंग पर आ जाते हैं। अगर जिनको जल्दी रिजल्ट चाहिए वो कटिंग लगाएं, नहीं तो ये फूल इनके फूल गिरने के बाद भी ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और ये देखिए 4 o'clock कितना ज़्यादा कलियाँ बना हुआ है इसमें, देखिए। और ये देखिए पिटूनिया कितना ज़्यादा फ्लावरिंग हो रहा है अभी भी इसमें। अभी मैं 8-10 फ्लावर इसका तोड़ी हूँ और ये काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी। अब थोड़ा ज़्यादा धूप आने लगा है तो अब मैं इसको हटा दूँगी। और देखिए मेरा रोज़ में कितना सुंदर फ्लावर आया हुआ है, और ये इतना ज़्यादा लंबा होते जाता है कि मुझे झुकाना पड़ता है इसका पौधा को वीडियो लेने के लिए, तो इसको भी मैं फिर से थोड़ा सा कट करूँगी, काफ़ी लंबा होते जा रहा है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पौधे ज़्यादा लंबा हो जाते हैं। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है पूरा। और देखिए, एक दिन इसका फ्लावर नहीं तोड़िए तो दूसरा दिन इसमें सीड बनना शुरू हो जाता है। देखिए, तो ये कहीं भी गिर के इसका सीड निकल जाता है और बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। मैं दिखाऊंगी आप लोगों से ग्रो हुआ है। और देखिए, क्रिसेंथियम है जिसका काफ़ी वीडियो मैं शॉर्ट्स बना के डाली हूँ। और देखिए फिर से फ्लावरिंग पर आ गया, और कितना अच्छा इसका लिप्स देखिए कितने ग्रीन ग्रीन हुए हैं पूरा, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो मैं सोची कि वीडियो बना लेती हूँ। और ये सदाबहार तो सच में सदाबहार है, इनको जितना भी ऐड कर लीजिए अपने गार्डन में कम है। अभी मैं इसका अलग अलग कटिंग को निकालूंगी तो कितना गमला मेरा बन जाएगा, और बहुत ही जल्दी ये ग्रो कट जाता है और काफ़ी फ्लावरिंग हुआ है होता है। कोई भी फूल खिले या ना खिले, सदाबहार तो खिलते ही रहते हैं। और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, काफ़ी गमले को मैं अपने बालकोनी में ले गई हूँ, पूरा खाली की हूँ, क्योंकि धूप से मेरे डहेलिया सब मुरझाने लगे हैं, तो मैं आज सब बालकोनी में ले गई हूँ, कभी दिखाऊंगी आप लोगों को। और बालकोनी में काफ़ी अच्छा चल रहा है अपना पौधा। और देखिए कितने ग्रीन है, और देखिए इनके कितनी सारी कटिंग लगाई हूँ, सब ग्रो होने पर आए हैं। जब ये ग्रो हो जाएंगे अच्छे से तो मैं सबको हटा के अलग कर दूंगी, तब मैं इसमें खाद डालूंगी। देखिए, ये एक प्लांट से हजारों प्लांट बना सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।